Hello, my dear students. This is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss the one output-based question. जो आपका आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम है ये क्वेश्चन आपका 3 या 2 मार्क्स में आ सकता है एंड दिस टाइम इवन ऑनलाइन योर 1 मार्क्स आल्सो. लेट्स अंडरस्टैंड द पाइथन कोड फर्स्ट देन वी विल सॉल्व इट. हियर द कीवर्ड डेफ इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन एंड द फंक्शन नेम इज अपडेटेड. दिस इज द नेम ऑफ माय फंक्शन एंड हियर टू आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन ए एंड बी इक्वल्स टू 5. दिस बी इक्वल्स टू 5 इज माय डिफॉल्ट पैरामीटर. उसके बाद जो हमारी ए और बी की वैल्यूज आएंगी उसको मुझे डिवाइड करना. दिस इज माय फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर व्हिच रिजल्ट्स इन द इंटीजर डिवीजन एंड नेक्स्ट इज द मॉडुलस ऑपरेटर व्हिच रिजल्ट्स इन द रिमाइंडर. उसके बाद आपको ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराना है और जो आपकी ए और बी की वैल्यूज होंगी उसका एडिशन इस वेरिएबल में वो रिटर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो डेफिनेशन पार्ट है. आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू 100 एंड वी आर हैविंग बी इक्वल्स टू 30. आफ्टर दैट माय फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू अपडेटर ए कोमा बी. दिस इज द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. So you have to substitute the values of A and B. A equals to updater A. The value of A is beta 100. So here I am writing 100 and value of B is 30. So that means updater function will be called or A mein value kya jayegi is function ke liye beta. I am writing it here A equals to 100 and B equals to 30. And this is the default argument. अगर हम यहाँ से second argument pass नहीं करेंगे then this default value will be considered. But if we are passing the value, तो then that value will be considered. Now our next statement is A equals to A floor division of B. That means अब मुझे क्या करना है, divide करना है A को. A की value क्या बेटा 100 and then floor division operator and then 30. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आपका किस में आएगा, सपोज आई एम राइटिंग इट हियर. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा 30 एंड देन 100, ठीक है, 33 सा 90 और रिमेन यहां से कितना आ गया बेटा 10, ठीक है. तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है बेटा 3. तो मेरा आंसर क्या होगा इस ए वेरिएबल के लिए 3. और अगर मैं इसी में मॉड्यूलस की बात करूं तो हम रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है. नाउ ए में वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 और बी में वैल्यू क्या आएगी ए मॉड्यूलस बी. दैट मींस वैल्यू ऑफ ए इज बेटा 3 मॉड्यूलस बी. बी क्या है बेटा 30. अब अगर मैं डिवाइड करूं 3 को 30 से तो नहीं जाएगा वो, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 3, ठीक है. और मॉड्यूलस में क्या होता है, अगर मेरा फर्स्ट वाला ऑपरेंड स्मॉल है सेकंड वाले से, मींस वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑपरेंड है दैट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर. तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ गई बेटा 3 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3. अब मुझे क्या कराना है, प्रिंट ए डॉलर बी. आई एम राइटिंग द आउटपुट हियर, ठीक है. तो अब यहां से मेरा जो ए की वैल्यू है दैट इज 3 और बी की वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे. लेट मी जस्ट शिफ्ट इट हियर. यस, फर्स्ट क्या प्रिंट हो गया बेटा 3. आफ्टर दैट कोमा है तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा एक स्पेस बार के लिए. आफ्टर दैट डॉलर एंड देन बी. द वैल्यू ऑफ बी इज अगेन 3.
अब उसके बाद है बेटा रिटर्न ए प्लस बी। अब जो मेरा ये फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी मीन्स 3 + 3 दैट इज 6। तो अब जो ये 6 वैल्यू आई है ये किसको रिटर्न करेगा, इस ए को, क्योंकि जब हमने फंक्शन कॉल किया था उस टाइम पर ए इक्वल्स टू लिखा था, तो जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी, ए में। सो अब ए की वैल्यू जो पहले 100 थी अब वो 100 नहीं है, ठीक है। अब मेरी ए की वैल्यू क्या है बेटा, 6। बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है और यहाँ पर है प्रिंट ए हैश बी। तो अब मैं जब ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगी बेटा, 6 हैश और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 30। तो अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 30। बी की वैल्यू आपने 3 नहीं लेनी, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर है। जब हम फंक्शन के बाहर ये ए हैश बी प्रिंट करा रहे हैं तो बाहर वाली वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या है बेटा, बी इक्वल्स टू अपडेटर फंक्शन कॉल किया और वैल्यू क्या पास की बेटा, बी। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगी बी इक्वल्स टू अपडेटर बी दैट मीन्स 30 वैल्यू पास होगी। तो जब मैं अपडेटर फंक्शन को कॉल करूंगी फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में आएगी दैट मीन्स दिस वैल्यू 30 वो आपकी किस में आ गई, ए में, और बी में आपकी कोई वैल्यू पास नहीं की तो दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बेटा, 5। सो बी में वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ए फ्लोर डिविजन बी। तो ए में मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा, 30 फ्लोर डिविजन बी। तो अब जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्वेश्चन 5, 6, 30। तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा, 6। और बी की जब मैं सॉल्व करूंगी ए मॉड्यूलस बी एंड द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 6 एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेटर उसके बाद बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 5। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 × 1 = 5, 6 − 5 = 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 1। लेट मी शो यू दिस, ठीक है, 5 को से डिवाइड करना है मुझे 6 को, तो 5 × 1 = 5 और 6 − 5 बेटा रिमाइंडर 1। तो दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन 1। आई होप आपको ये मॉड्यूलस और ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं इट इज क्लियर नाउ। अब बी की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है बेटा, ए डॉलर बी, वैल्यू ऑफ ए इज 6। सो हियर आई एम राइटिंग 6 देन स्पेस देकर डॉलर देन वैल्यू ऑफ बी दैट इज 1। तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है रिटर्न ए प्लस बी दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए 6 + 1 = 7। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा बेटा, 7। और वो जो 7 वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस वेरिएबल में आएगी, अब की बार बी वेरिएबल में। तो जो मेरे पास बी में पहले 30 था अब वो 30 नहीं है, अब वो क्या वैल्यू आएगी बेटा मेरी, 7। This is the new value of b now, 7। अब उसके बाद print function a hash b और value of a is बेटा 6। तो यहाँ पर क्या print हो जाएगा, 6 then hash after that b। अब b की value क्या print होएगी बेटा, 7। Very good। अब उसके बाद next statement, I am erasing this now, ठीक है। a equals to again updater function will be called with argument A। इस टाइम जो रिटर्न ए प्लस बी आएगा वो वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर होगी बेटा, ए में। ए इक्वल्स टू अपडेटर, वैल्यू किसकी पास करनी है, ए की दैट इज 6। तो व्हेन वी विल कॉल दिस अपडेटर फंक्शन, ए में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और बी में अगेन डिफॉल्ट वैल्यू 5। तो ए इक्वल्स टू ए फ्लोर डिविजन बी। अब करेंगे इसको सॉल्व, 6 फ्लोर डिविजन 5। तो क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, 1। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1। और बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए मॉड्यूलस बी दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1 मॉड्यूलस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 5। अब 5 को जब डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा तो आपका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1। और एक चीज अभी बताई है, अगर मेरा मॉड्यूलस ऑपरेटर हो, फर्स्ट वाला ऑपरेंड स्मॉलर हो एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 मीन्स फर्स्ट वाला ऑपरेंड। अब यहाँ से मुझे क्या प्रिंट करना है, a डॉलर b, वैल्यू ऑफ a इज 1,
So here it will print 1, then dollar and then B. Value of B is again 1. ठीक है? अब उसके बाद है next statement return A plus B. A plus B, 1 plus 1, 2. तो ये क्या return कर देगा यहाँ से? 2. और किसको return करेगा बेटा? A को. क्योंकि जो मैंने यहाँ से function call किया था जब यहाँ पर, तो A equals to लिखा था. That means ये function जो value return करेगा, वो मेरी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. ठीक है? तो अब यहाँ से मेरी A की वैल्यू क्या हो गई है? 2. This one. अब जो ये मेरी 60 वैल्यू है, ये नहीं है. B में कोई चेंज नहीं हुआ. उसके बाद प्रिंट A डॉलर B. अब यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे. A की वैल्यू क्या है बेटा? 2 डॉलर एंड देन B. वैल्यू ऑफ B इज 7. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. ठीक है? एग्जाम में लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, आपकी 6 इसमें स्टेटमेंट्स है, तो हाफ मार्क फॉर ईच स्टेटमेंट, 1, 2 एंड देन 3. और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम में पूरे चांसेस होते हैं. बाकी इसी टाइप के आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है? वी विल कवर मोर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो इन आवर अपकमिंग वीडियोस. आई होप द output question of this and the program or concept related to this question is clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.